हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम वर्णन कर रहे हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अनेक योगाध्याय, अध्याय 19वां अनेक योगाध्याय, जिसमें हमने 49वें श्लोक तक का वर्णन कर दिया है, जिसमें 50वें श्लोक तक का हमने वर्णन कर दिया है, जिसमें केमद्रुम भंग योग के विषय में वर्णन था। तो आज हम सूर्य से बनने वाले वेशी वासी उभयचरिक आदि योगों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने प्रसंग की ओर चलूं उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन कर दूं कि प्लीज लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses एंड हच एस्ट्रो क्लासेस, ये एस्ट्रो हैंडल है, ट्विटर हैंडल है मेरा, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और ये नंबर 8690522111 ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप का एक ग्रुप है एस्ट्रो क्लासेस, इससे आप जुड़ सकते हैं एंड इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमसे सलाह लेना चाहें तो हमारे ब्लॉग और वेबसाइट पे क्या ऑफर चल रहा है ये देख करके आप, है ना, आप तात्कालिक रूप से पेमेंट जमा करके हमारे अकाउंट में फिर आप भेज देंगे रिसिप्ट, तो हम आपको टाइम और डेट बतला देंगे कब आपको फ़ोन करके सलाह लेना है। आप देश दुनिया कहीं भी बैठे हों, वहाँ से बैठे बैठे आप फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रसंग की ओर बढ़ें। वासी योग, सर्वप्रथम वासी योग के विषय में हम वर्णन करेंगे। उसके पहले मैं बतला दूँ कि ये वासी और वेशी योग और उभयचरी योग बनता कैसे है, है ना। वैसे ये श्लोक एक बार मैं बतला देता हूँ, बाकी इस श्लोक को जो है बार बार बोलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बनता कैसे है इस चीज़ का हमने बना रखा है, है ना। ये देखिए वासी योग, है ना, ये मुख्यतः सूर्य से बनता है और सूर्य जहाँ बैठा हो वहाँ से 12वें घर में, एक ये हुआ, दो ये है, तीन ये है, चार ये है, पाँच ये है, छ है ना, और ये है सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारहवां। ठीक है, जहाँ सूर्य बैठा हो वहाँ से 12वें घर में यदि ग्रह हो तो वासी योग का निर्माण होता है। देखिए, व्यय धन युत खेट कर वासी वेशी दिनेशा दुभय चरिक योगश्चोभय स्थान संस्थय, है ना। व्यय में बैठा हो कोई ग्रह दिनेशा, मतलब दिनेश से, सूर्य से अगर कोई व्यय में अर्थात 12वें घर में बैठा हो तो वासी योग होता है। धन, है ना, धन भाव में यानी दूसरे घर में बैठा हो तो वेशी योग बनता है। ठीक है, और दुभय चरिक योग चोभय स्थान संस्थय, दिनेश के अर्थात सूर्य के दोनों तरफ यानी 12वें में और दूसरे में दोनों तरफ यदि ग्रह हो तो उभयचरिक योग, उभयचरिक नाम के योग का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सूर्य है 11वें घर में और 10वें घर में गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, तो इसमें वासी योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब ये वासी योग जिस कुंडली में हो उसमें फल क्या देता है इस विषय में हम जान लेते हैं। ठीक है, महर्षि पाराशर कहते हैं कि श्यान मंद दृष्टिर बहुकर्म करता पश्यत यधश्चह चोन्नत पूर्वकाय असत्यवादी यदि वासी योगो प्रसूति काले मनुजस्य यस्य। कहते हैं कि श्यान मंद दृष्टि, ठीक है, जिस जातक की जन्म कुंडली में वासी योग होता है,
ठीक है, उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी है ना मंद दृष्टि, मतलब उसकी दृष्टि जो है वो हल्की होती है, कम दिखाई देता है। ठीक है, बहुकर्म करता, बहुत प्रकार के कार्यों को करने वाला बड़ा मेहनती होता है, और पश्यत यदह है ना नीचे की ओर देखने वाला होता है, और वैसे भी कम दिखाई दे तो नीचे ही देखेगा। लेकिन इसका एक दूसरा भी अर्थ आप कर सकते हैं कि अधः पश्यत, मतलब किसी के ऊपर गलत दृष्टि नहीं रखता है ना। और उन्नत पूर्वकाय, उन्नत है ना, ऐसे व्यक्ति का शरीर बड़ा विशालकाय होता है, उन्नत शरीर का मालिक होता है। लेकिन असत्यवादी, ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में वासी योग होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, वासी योग बनता है सूर्य से, सूर्य के 12वें घर में, सूर्य यहाँ से बैठा हो वहाँ से 12वें घर में अगर कोई ग्रह बैठे हो तो वासी योग का निर्माण होता है जन्म कुंडली में। और वासी योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह कम देखने वाला, बहुत मेहनती और नीचे की ओर देखने वाला, उन्नत शरीर वाला, लंबा चौड़ा विशालकाय शरीर वाला, लेकिन झूठ बोलने वाला होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।